एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द केक रूम। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। एंड आज हमारे पास टोटल 4 केक के ऑर्डर है, जिसमें से 3 हाफ हाफ केजी के केक है एंड एक हमारे पास है होली के लिए कॉम्बो, जिसमें एक बेंटो केक आएगा, 2 कप केक होंगे। वैसे तो आपको सारे केक का डेकोरेशन थंबनेल से पता चल गया है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर स्पॉन्ज हमने बेक कर लिया है, यहाँ पर है वनीला फ्लेवर में, तो एक्स्ट्रा बेकिंग जैसे कि मैं हमेशा करके रखती हूँ, तो वही एक्स्ट्रा बेकिंग मैं आज इसमें यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर है हमारे पास चॉकलेट, तो चॉकलेट की भी एक्स्ट्रा बेकिंग रखी हुई थी। एंड वैसे इन दोनों को बेक करने के लिए मैंने यूज किया था 5x4 इंचेस का केक टिन। इसको बैक करने के लिए मैंने यूज किया था 4x4 इंचेस का केक टिन। एंड साथ में ये हमारे 2 कप केक जो कि हमने पेपर कप में ही बैक किया है, तो इसको एज इट इज हम जो कॉम्बो रेडी करेंगे उसमें सेट करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनकी लेयरिंग एंड फ्रॉस्टिंग। तो लेयरिंग करते समय यहाँ पर टोटल हमने वनीला स्पॉन्ज की टोटल 6 लेयर्स एंड जो चॉकलेट स्पॉन्ज था उसकी की 3 लेयर्स। हाफ के जी केक में मैं 3 लेयर्स यूज करती हूँ एंड बेकिंग में एक्स्ट्रा करके रखती हूँ। एंड यहाँ पर बेंटो एंड जो चॉकलेट केक है उसके लिए यहाँ पर अंदर की जो फिलिंग है उसमें हम फिल करते हैं डच क्रीम। तो यहाँ पर चॉकलेट गनाश को हम व्हिप क्रीम में ऐड कर देंगे और हमारी जो चॉकलेट डच क्रीम है वो बन के रेडी हो जाएगी। अच्छे से इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पर रेडी हो गई है हमारी चॉकलेट डच क्रीम। एंड साथ में मैं एक कलर शेड भी प्रिपेयर करके रख रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम में मैं ऐड कर रही हूँ बिक्सर ब्रांड का लिक्विड फूड कलर जो कि ब्लू शेड में, एंड मुझे लाइट ब्लू शेड चाहिए था, तो यहाँ पर हमने क्रीम में इस कलर को मिक्स करके रेडी कर लिया हमारा लाइट ब्लू शेड। एंड अब स्टार्ट करते हैं केक की फ्रॉस्टिंग करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रेडी कर रही हूँ हमारा जो हाफ के जी चॉकलेट फ्लेवर में केक था, तो पहले चॉकलेट फ्लेवर केक की फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं। बेस प्लेट पर क्रीम लगाकर हमने हमारी जो फर्स्ट लेयर है उसको सेट कर दिया, जो हमने डच क्रीम बनाई थी उसी डच क्रीम की फिलिंग हम केक के अंदर करते हैं। यहाँ पर हमारे केक की क्रम कोटिंग डन हो चुकी है। अब केक की कर रहे फ्रॉस्टिंग। एंड जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी शेड ऐड करने से पहले मैं व्हाइट फ्रॉस्टिंग ही करती हूँ एंड देन उसके ऊपर जो हमने ब्लू शेड बनाया था उसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूं। एंड यहाँ पर फाइन फिनिशिंग देके हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है, फ्रॉस्टिंग डन हो चुकी है। फ्रिज में इसको कूल होने के लिए रख देंगे। सो हमारा फर्स्ट केक की फ्रॉस्टिंग डन हो चुकी है। सेकंड केक की जो फ्रॉस्टिंग है वो करने वाले हैं हम पाइनएप्पल फ्लेवर में, तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। इस केक पे कोई भी कलर शेड नहीं आने वाला है, इसीलिए मैंने इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग भी व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से की है। एंड अच्छे से फाइन फिनिशिंग देने के बाद ये हमारा केक, सेकेंड केक जो है वो भी रेडी हो गया है। एंड अब चलते हैं हमारे थर्ड केक पर। थर्ड केक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं उसको आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। जो हमारा थर्ड केक है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है एंड इसमें हमें बनाना है हार्ट शेप केक। तो यहाँ पर मैं हाफ के जी केक है तो उसके लिए राउंड शेप में बनाकर इसको चेंज करने वाली हूँ हार्ट शेप केक में। राउंड केक से हार्ट शेप केक बनाने के लिए सबसे पहले राउंड केक की क्रम कोटिंग डन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ। एंड मार्किंग के साथ ही मैंने यहाँ पर 2 पोर्शन कट कर लिए हैं जिनको ऊपर की साइड व्हिप क्रीम की हेल्प से इसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे। एक्यूरेट शेप देने के लिए यहाँ पर मिडल से मैं कुछ पोर्शन कट करके साइड कर दूंगी। यानी यहाँ पर हमारा हार्ट शेप केक रेडी है। अब हम कर रहे हैं इस केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग। ये पूरा केक भी व्हाइट शेड में ही रहने वाला है, कोई कलर शेड नहीं आएगा, तो बस पूरे केक को हम व्हाइट व्हिप क्रीम से कवर करने। हार्ट शेप केक पे एक ही दिक्कत आती है, वो होती है इसके फाइन फिनिशिंग देना, तो साइड कॉर्नर्स की फाइन फिनिशिंग में देने में थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पर केक की फाइन फिनिशिंग देने के बाद यहाँ पर हमारा जो केक है वो एकदम रेडी हो चुका है, जो कि हमने राउंड शेप से हार्ट शेप में बनाया था। बस इसको भी अब कूल होने के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। एंड अब जो हमारा आज का लास्ट केक है जो कि ये बेंटो केक एंड कप केक का कॉम्बो, तो उसके लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं सबसे पहले बेंटो केक की फ्रॉस्टिंग। बेंटो केक की प्लेनिंग करने के बाद फ्रॉस्टिंग के लिए वही हम चॉकलेट डच क्रीम जो हमने बनाई थी उसी चॉकलेट डच क्रीम को यूज करते हुए यहाँ पर हमारे बेंटो जो केक है उसकी क्रम कोटिंग डन हो चुकी है। एंड इस पूरे बेंटो केक को भी हम सेम व्हाइट व्हिप क्रीम से ही कवर करने वाले हैं, कोई कलर शेड ऊपर से नहीं आने वाला। यहाँ पर हमारा बेंटो केक भी रेडी हो गया है। सो गाइस, सारे केक की फ्रॉस्टिंग तो डन हो चुकी है, उनको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा हार्ट शेप वाला केक था उसके ऊपर अब ये वाला जो क्रम है ये ब्रेड का स्पॉन्ज जो है उसी का क्रम है,
तो उस क्रम को मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है, रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे तो ये नॉर्मली ड्राई हो जाएगा। तो बस अब इसको रेड करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिक्सर ब्रांड का लिक्विड फूड कलर। अब जैसे ही हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा वेट हो जाएगा, तो उसको फिर से हमें ड्राई करना है, हमारे पास जो रेड कलर का क्रम है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ लिक्विड फूड कलर ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड जितना ब्राइट चाहिए उस अकॉर्डिंग आपको फूड कलर ऐड करना है एंड यहाँ पर मिक्स किया हमने। सो गाइज यहाँ पर क्रम को हमने पूरा रेड रेड कर दिया है, अब इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। आफ्टर 3 to 4 आवर्स केक को अच्छे से फ्रिज में सेट होने के बाद अब हम कर रहे केक की फाइनल डेकोरेशन एंड इन केक्स पर जितने भी फोंडेड टॉपिंग्स आ रही है बहुत ही कम फोंडेड टॉपिंग्स थी तो इसीलिए मैंने उसका अलग से आपको डिटेल में नहीं बताया। तो ये जो केक है वो फ्री फायर थीम पर बेस्ड है, तो यहाँ पर फ्रंट में जो फ्री फायर लिखा है वो फोंडेड का है, फोंडेड के लेटर्स है, फोंडेड गन्स है एंड जो यहाँ पर ग्रास हमने बनाई है उसके लिए ग्रीन व्हिप्ड क्रीम का शेड बनाया है एंड इस पाइपिंग बैग से मैं यहाँ पर ग्रास बना रही हूँ। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट केक जो कि फ्री फायर थीम पर बेस्ड है जो कि बनके रेडी हो चुका है, डेकोरेशन आप देख सकते हैं। एंड अब चलते हैं सेकंड केक पर एंड जो हमारा सेकंड केक है वो क्रिकेट बेस्ड थीम पर है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मैक्सिमम क्रीम का ही यूज किया, फोंडेड बहुत कम यूज किया है। क्रीम डेकोरेशन करने के बाद सबसे पहले मैंने केक पर बर्थडे बॉय का नाम लिखा क्योंकि इसके साइड में आने वाली थी ग्रीन ग्रासेस, तो यहाँ पर नाम लिखने के बाद केक के साइड में जितनी भी ग्रास थी ग्रीन ग्रास तो वो मैंने पाइपिंग बैग की हेल्प से ग्रासेस बना दी एंड देन क्रिकेट लुक देने के लिए इस केक के ऊपर जो भी फोंडेड टॉपिंग्स थी बैट बॉल एंड ऑल उन सबको अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ पर हमारा सेकंड केक भी रेडी है जो कि क्रिकेट बेस थीम पर था एंड ये है केक का फाइनल लुक जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड अब चलते हैं हमारे थर्ड केक के डेकोरेशन पर जो कि है कॉम्बो बेंटो प्लस कप केक का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कप केक जो है उनको रेडी कर लिया 1 mm नोजल को यूज करते हुए। इस केक के ऊपर हम अलग अलग कलर से इसको स्प्रे करने वाले, जो डस्ट कलर होता है उसका स्प्रे करेंगे। 7C बेकिंग की तरफ से मैं यूज कर रही हूँ पर्पल पफ एंड कलर मिस्ट का है हमारे पास रेड पफ। अब मेरे पास ये दो ही पफ कलर है तो अब मुझे रिमेनिंग कलर भी चाहिए थे तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ये शिमर पंप। इस शिमर पंप में हम शिमर नहीं यूज करने वाले हैं एंड कलर शेड के लिए हम यूज करेंगे डस्ट कलर, तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ रेड एंड ब्लू शेड क्योंकि पर्पल एंड रेड ऑलरेडी हमारे पास है पफ कलर में। इसको यूज करना बहुत ही इजी है, बस हमें सिंपली जो डस्ट कलर यूज करना है उसको हमें इन बोटल्स पे फिल करना है एंड इस पंप पर फिक्स कर देंगे एंड देन इस शिमर पंप को पंप करना है एंड हमारा जो कलर शेड है वो केक पर हमें दिख जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने यूज किया है येलो शेड एंड यहाँ पर पंपिंग करते करते हमें जो येलो शेड है वो केक पर दिखना स्टार्ट हो गया एंड इसी तरीके से अब हम करने वाले हैं ब्लू शेड। तो यहाँ पर ब्लू एंड येलो दोनों शेड होने के बाद हमारे जो रिमेनिंग 2 कलर से उनको यूज करने वाले हैं एंड रिमेनिंग 2 कलर शेड में हमारे पास है पर्पल एंड रेड शेड एंड उसको पंप करना थोड़ा इजी है क्योंकि हमें सिंपली पफ बोतल को यूज करना है, इसमें हमें पंपिंग नहीं करनी है। तो ये शिमर पंप के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है एंड जल्दी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट यही है अगर आपके पास पफ कलर नहीं है तो आप उस शिमर पंप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्पल एंड रेड पफ यूज करने के बाद यहाँ पर हमारे केक पर हमने जो होली का लुक है वो क्रिएट कर दिया है एंड बेंटो केक हमारा एकदम कलरफुल लग रहा है। यहाँ पर हमारा जो कलरफुल बेंटो केक है वो रेडी है एंड सेम इसी तरीके से हमारे जो कप केक है उस पर भी हम पफ कलर कर देंगे। जनरली ये जो कलर होते हैं वो एयर ब्रश, जो आपको पता हो कि एयर ब्रश कैसे काम करता है, उसकी हेल्प से होता है जिसमें कंप्रेसर लगता है एंड जितने भी लिक्विड या डस्ट वाले फूड कलर है वो इजिली उस पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर बिना उसका यूज किए हमने पफ कलर, और अगर आपके पास पफ कलर भी नहीं है तो हम शिमर पंप यूज करके टेक्निक से हम केक पर इन कलर शेड को अप्लाई कर सकते हैं और कलरफुल केक हमारा रेडी हो जाएगा एंड इन कपकेक्स को भी हम कलरफुल बनाने के लिए वही पफ कलर यूज करके इनको भी रेडी कर लेंगे। एंड यहाँ पर अब हम बेंटो पे ऊपर स्पेस खाली नहीं लगे इसलिए लिख रहे हैं हैप्पी होली। लिखने के लिए यहाँ पर मैंने यूज किया है रेड व्हिप्ड क्रीम, बस सिंपली हमने क्रीम में रेड कलर एड किया है एंड यहाँ पर हमारी रेड व्हिप्ड क्रीम रेडी है। पैकिंग हम इस बॉक्स में करने वाले जो की 6 cavity कपकेक का बॉक्स है, इसमें से आप देख सकते हैं 6 cavity एंड यहाँ से मैं ये कैविटी कट आउट कर दूंगी जहाँ पर हमारा बेंटो जो है वो अच्छे से सेट हो सके। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये सेक्शन कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सेक्शन कट हो चुका है, इसको वापस अंदर रखेंगे एंड ये जो हमारा बेंटो केक है इस बेंटो केक को एज इट इज हमने इसमें बॉक्स में सेट कर दिया। तो यहाँ पर बेंटो रेडी है,
एंड ये हमारे जो कपकेक है वो जरूर है। सो गाइज यहाँ पर हमारा जो होली का हैम्पर है वो होली हैम्पर रेडी हो गया है, कॉम्बो में है जिसमें कपकेक एंड बेंटो केक दोनों है। एंड इसको इसकी पैकेजिंग जो है वो इस तरीके से होगी जिसमें ऊपर ट्रांसपेरेंट विंडो है, एंड यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑर्डर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, डेकोरेशन डन हो चुका है, पैकेजिंग हो चुकी है। एंड अब चलते हैं हमारे फोर्थ ऑर्डर, एंड फोर्थ केक का जो डेकोरेशन है वो जितना सिंपल है ना उतना ही अट्रैक्टिव है। तो बस करना कुछ नहीं है, जो हमने क्रम ड्राई होने के लिए रखा था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। उस पूरे क्रम को मैंने कलेक्ट कर लिया एक बाउल में जिससे मैं इसको अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड कर सकूँ। एंड स्प्रेडिंग के लिए अब मैं यूज कर रही हूँ छलनी। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, बट आप देख के समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से इस पूरे केक के ऊपर क्रम को अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइस अगर आपका क्रम मोटा है, बारीक नहीं है, जो कि छलनी में से पास नहीं हो रहा है, तो आप उसको मिक्सी में 10 सेकंड के लिए ग्राइंड कर सकते हैं। एंड गाइस ये हमारा जो लास्ट केक है उसका फाइनल लुक। एंड गाइस वैसे तो मैंने इस वीडियो को इस क्लिप के बाद एंड कर दिया था, लेकिन शाम को हमारे पास एक और केक का ऑर्डर आ गया जो की था चॉकलेट पिनाटा केक। काफी अर्जेंट में था एंड वीडियो भी ज्यादा लॉन्ग नहीं हो, इसीलिए मैंने इस वाले पार्ट को बहुत ही शॉर्ट पार्ट में कवर अप करके इस वाले केक को भी कवर कर लिया इसी वीडियो में। तो यहाँ पर हमने पहले पिनाटा की बाहर वाली शेल रेडी की एंड देन उसके बाद अंदर का जो केक है वो रेडी करने के बाद यहाँ पर हमने फाइनल रेडी किया इस पिनाटा केक को। एंड सब कुछ रेडी करने के बाद यहाँ पर हमारा जो लास्ट केक है वो भी रेडी हो गया। तो चार ऑर्डर थे, चार से पांच हो गए थे हमारे आज के दिन में। सो गाइज यहाँ पर हमारे आज के सारे केक कंप्लीट होते हैं जिसमें मैंने तीन बनाए, हाफ के जी के, क्रम कैसे बनाना है, ड्राई कैसे करना है एंड कलरफुल बेंटो विथ कपकेक का कॉम्बो बनाया। ये सब कुछ हमने आज के वीडियो में कवर किया। आज के वीडियो में आपको कौन सा केक सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा या कौन सी टेक्निक आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट एंड लाइक ही मुझे मोटिवेशन देते हैं। अभी पिछले एक दो वीडियो पर व्यूज ही नहीं आए थे तो मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो गई थी। मैं बस यही सोच रही थी कि इतनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद भी, देखिए गाइस हर एक चीज में मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए। मेरे डेली वीडियो अपलोड करने का मोटिवेशन है आप लोगों के लाइक एंड कॉमेंट्स। तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना कौन सी टेक्निक आज की अच्छी लगी। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।